और आज की एक बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें हम, दिल्ली में सरकार बनाने की हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। इस वक्त दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सीधे चलते हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कोई है नहीं क्या पर लाइट यहां तो आ रही है फिर बात तो सही है तो कुछ टेक्निकल सप्लाई आ रही है आ गई आ गई आ गई लाइट आ गई इसे बंद कर दीजिए पीछे से स्टार्ट करिए तीनों विषय बता दीजिए स्टार्ट कराइए ना तीनों विषय बताइए ये कौन है आपके साथ पीछे कौन है। आज हम आपको बता दें केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल उठाए गए कि आखिर दिल्ली में सरकार बनाने के लिए अभी तक कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं किया गया। हालांकि अब कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि जब पहले बीजेपी के पास सरकार बनाने का मौका था तब सरकार नहीं बनाई गई, लेकिन अब आखिर बीजेपी ऐसा कौन सा फॉर्मूला अपनाएगी जो बीजेपी की तरफ से सरकार बनाने की कोशिश होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी की आगे रणनीति क्या है। और इस बीच आप देख रहे हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अब शुरू हो रही है, और इस बीच हम देख रहे हैं किस तरह से अब यह भी स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए बीजेपी के पास क्या फॉर्मूला है। इससे पहले हमने सुना वेंकैया नायडू की तरफ से भी यह साफ तौर पर कहा गया कि बीजेपी चुनाव कराने के लिए तैयार है, और कांग्रेस उस बात पर लगातार सवाल उठा रही थी कि आखिर अभी तक बीजेपी चुनाव कराने से क्यों परहेज कर रही है, लेकिन अब आगे बीजेपी की क्या रणनीति है इस पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी स्थिति साफ हो जाएगी। और ये थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बस मीडिया से मुखातिब होना शुरू करेंगे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय। और अब प्रवेश आप यहां पर देख रहे हैं, प्रवेश कुमार उनके साथ और मनोज तिवारी यहां पर उनके साथ यहां पर मौजूद हैं। लेकिन इस बीच हम आपको एक बार फिर से बता दें आज जो बड़ी खबर सामने आई उसके मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता भी अब साफ हो चुका है। जिन तीन विषयों पर हमने पत्रकार वार्ता आयोजित की है उस पत्रकार वार्ता में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है, और विशेषकर मेरे साथ आज पूर्वांचल के जो हमारे दिल्ली के प्रमुख लोग हैं और जो पूर्वांचल को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हमारे सांसद मनोज तिवारी जी, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष अभय वर्मा जी, हमारे सांसद प्रवेश जी, साहिब सिंह चौहान जी और पूर्वांचल के तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तीन विषय प्रमुख रूप से मेरे पास हैं। एक है कि पूर्वांचल के लिए जो गत 20-25 वर्षों से लगातार एक बिहार के बाद शायद दिल्ली पहला एक ऐसा स्टेट है जिसमें 15 साल लगातार कांग्रेस का शासन रहा, 49 दिन हमारे माननीय केजरीवाल साहब का शासन रहा, लेकिन पूर्वांचल के लिए जो कुछ होना चाहिए था, पूर्वांचल के लोगों की जो एक डिमांड थी, पूर्वांचल के लोग जो लगभग दिल्ली में 70 लाख से लेकर के 80 लाख तक रहते हैं, जिनका दिल्ली के विकास में, दिल्ली की प्रगति में, दिल्ली में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और उनका एक सबसे बड़ा हम भारतीय संस्कृति को और अपने देश के जो त्यौहार हैं उनको सब बहुत अच्छे से मनाते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ देने का त्यौहार छठ, जिसको लेकर के बहुत लंबे समय से आप सबकी एक डिमांड थी कि दिल्ली में इस दिन जो हमारे सारे 80 लाख लोग हैं, 70 लाख लोग हैं, उसको एक अवकाश घोषित किया जाए। तो फिलहाल आपने सुना कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो मीडिया के जरिए पहुंचाने की कोशिश की गई कि छठ के पर्व पर एक छुट्टी की घोषणा की, जो पिछले साल हमने देखा था, मुद्दा भी बनाया गया था कि आखिर इस पर छुट्टी क्यों नहीं घोषित की जाती, फिलहाल उस बारे में भी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आई।